अस्सलामुअलैकुम गाइस। सबसे पहले तो 14 अगस्त द इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक जो है हम सब मुसलमानों को, हम सब पाकिस्तानी आवाम को सलामत रखे, हमेशा कायम रखे और हमेशा 14 अगस्त मनाने की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए आमीन, लेकिन अपने इस्लामी तरीके से। और आज 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, आज 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो आज सैटरडे का दिन है हमारे यहाँ। तो मैं प्रोविंस मेरपुर का सिंध में रहता हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो ऐसा है इस वक्त सूरत हाल, तो ऐसी है कि शहर में रश और मज़ीद 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 रश है। सिर्फ इंतहा की रैलियाँ, इंतहा की आवाम, इंतहा के बाइक सिलेंसर्स और उसके साउंड्स और भूकू पा 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 वो सब मौजूद हैं। और दूसरी बात के मेरे पास 2 बाइक्स हैं और इस वक्त एक भी अवेलेबल नहीं है। एक लेकर गए मैं वालिद साहब और एक लेकर गए मैं भाईजान। अब मामलात ऐसे हैं कि मैं हूँ बिना बाइक का शहजादा। दोस्त को कब से कॉल करी हुई है, वो कह रहा आधे घंटे में आ रहा हूँ, उसका आधा घंटा ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ बैठी हसीन शाम में आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ 14 अगस्त के, हमारे मेट्रो पास वाले कैसे बना रहे हैं। अब बहरहाल गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अगर दोस्त आ जाता है तो मैं आपको जो है शो करवा देता हूँ, शो ऑफ करवा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे लोग जो है बना रहे हैं, हमारा हैदराबाद रोड पे कैसा है, क्या है, कहाँ कहाँ पे रश और कहाँ कहाँ पे अच्छा जो है सीन चल रहा है। एंड सेकंड थिंग एक और बताता चलूँ आपको कि डोंट वरी, अगर मैं आपको अभी इवनिंग का नहीं दिखा सकता कुछ भी, लेकिन मैं आपको नाइट का लाजमी दिखाऊंगा, टुडे नाइट आज की रात लाजमी दिखाऊंगा कि हमारे 14 अगस्त कैसे बनती है हमारे मेट्रो पास में। कहूँगा वीडियो को पूरी देखिएगा, ईशान शेख ब्लॉग्स जैसा कि आप सब जानते हैं। एंड आई एम हेयर टू शोइंग यू द हाउ वी कैन सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआएं मेरे साथ। ये देखें ये बच्चे जो है ना अबा कर करके, यकीन करो ये सर की नसें दुखा देते हैं हमारी। अभी तक मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कल रात 12 बजे भी सेलिब्रेशन था हमारे यहाँ, लेकिन जो रियल सेलिब्रेशन होता है वो इस वक्त आज होगा सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन होगा तकरीबन जो है रात के टाइम पे। अभी भी है कुछ रिलीज़ वगैरह और बहुत सारी आवाम है, बहुत इन्जॉयमेंट है, यानी कि अभी तो बस मैं मिस कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड आ जाए मैं उसको क्या बोलूँ, बस दिल से इतनी बदुआएँ निकल रही हैं उसके लिए बता नहीं सकता, लेकिन बस मजबूर हूँ। लेकिन मैं आपको रात का इंशाल्लाह लाजमी मस्त दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और ईशान सिंह ब्लॉग के साथ बने रहिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ, और इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे के जो है फिर क्या हालात होते हैं। चले फिर आपको दिखाते हैं भाई। फाइनली दोस्तों जो है आ गया है मेरा, अब जो है बस जाएंगे अपन और आपको दिखाऊँगा मैं आपके जो है ना हमारे कैसे पाकिस्तान में, हमारे मेट्रो पास में जो है कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। दोस्त आ गया, दोस्त का ही वेट कर रहा था बस, शुक्र अल्लाह का। जी भाई ये है $1 and $2 और यहाँ पे हर चीज़ 170 रुपये की मिलती है, चाहे वो आप कुछ भी ले लो। ये हमारे हैदराबाद रोड पर है मेन जगह। थैंक यू। Fist, feel like the young boy in the alchemist. Rather sit with animals than humans. Cause it's like these humans ain't human. It's like they... ये देखें भाई, हर किसी ने अपनी शॉप जो है सजाई हुई है पाकिस्तान की खुशी में, पाकिस्तान 14 अगस्त की खुशी में, और अलग अलग डील्स दी हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी ये देखें, बहुत अच्छी डील्स दी हुई है, जिंगर बर्गर की, पिज़्ज़ा की और जो है फास्ट फूड की बहुत अच्छी डील्स दी हुई है। चलें आप चलते हैं ज़रा शहर की तरफ। See this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina. Then I refat in the blazing heat. Mustalifa was a perfect sleep. Underneath the stars on the concrete. Fist, feel like the young boy in the alchemist. Rather sit with animals than humans. Cause it's like these humans ain't human. It's like their hearts ain't even red. You can't justify that type of bloodshed. See this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina. Then I refat in the blazing heat. Mustalifa was a perfect sleep. Underneath the stars on the concrete. Disbelief here. Fist, feel like the young boy in the alchemist. Rather sit with animals than humans. Cause it's like these humans ain't human. It's like their hearts ain't even red. You can't justify that type of bloodshed. And they could never get inside my head. Too comfortable with the man I am. Powerful, firm on his feet I stand. Their weaknesses, I don't understand. These streets are ready to this life, it's a funny thing. I was daydreaming in Mina. Then I refat in the blazing heat. Mustalifa was a perfect sleep.
underneath the stars on the concrete. Disbelief here is concrete. Allah, look at what you done for me. Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them cause they're embarrassing. I'm ashamed of my bad deeds. See, this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina, then Arafat in the blazing heat. Mustalifa was a perfect sleep underneath the stars on the concrete. Disbelief here is concrete. Allah, look at what you done for me. Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them cause they're embarrassing. I'm ashamed of my bad deeds and humans. Cause it's like these humans ain't human. It's like their hearts ain't even red. You can't justify that type of bloodshed. And they could never get inside my head. See, this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina, then Arafat in the blazing heat. Mustalifa was a perfect sleep underneath the stars on the concrete. Disbelief here is concrete. Allah, look at what you done for me. ठीक है भाई गाइस, देख लिया सब कुछ इतनी सारी वीडियोस में, तो आप घर की तरफ चलें। Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them cause they're embarrassing. I'm ashamed. So guys, 14 अगस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबने देखा कि हम जो है पाकिस्तान मेडिसिन खास वाले, हम कैसे जो है 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे इसका जश्न मनाते हैं, आप सबने क्लियरली देख लिया मेरी वीडियो में। तो मैं सोच रहा था कि हैदराबाद निकलूँ यार, लेकिन हैदराबाद जो है मेरे दो दोस्त गए हैं तो मैं नहीं गया, लेकिन मेरे जहन में था कि निकलूँ। हैदराबाद में काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ है और फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, अरेंजमेंट होता है बोलबर्ट मॉल में, यहाँ वहाँ मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार क्यों ना अपने शहर का ही दिखाऊँ मैं, क्योंकि मैं रहता तो मेट्रो खास सिटी में हूँ ना, तो मैं अपने शहर का जितना अच्छा होगा आपको दिखाना, किसी भी शहर का आपको नहीं होगा दिखाना अच्छा, क्योंकि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम आपको ये बता रहे हैं। तो बस दुआएं कीजिए हमारा पाकिस्तान ऐसे ही हमेशा सलामत रहे, अल्लाह पाक इस पाक ज़मीन को हमेशा अपने रहमो करम से सलामत रखे, अल्लाह पाक जो है हम सबका ख्याल हो रखे और हम सबको जो है इसकी तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये आज जो है 5 मुहर्रम भी है, तो ये मुहर्रम का थोड़ा सा इनको एहतराम करना चाहिए, तराने और गाने वगैरह से थोड़ी परहेज करनी चाहिए, लेकिन ये लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भूपू बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, सिलेंसर निकाले हुए हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई क्या है, किसी के दिल का दौरा है, किसी को कुछ है, वो भले मर जाए कुछ हो जाए, लेकिन बाइकों के ऊपर भों भों भट 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 सिलेंसर ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कम अज़ कम मुहर्रम का एहतराम कर लेते, इसका नहीं तो मुहर्रम बुजुर्गों का नहीं तो मुहर्रम का एहतराम कर लेते भाई। आज 5 मुहर्रम है, बिल्कुल योम सोग वाला दिन है, जैसे कि सोग होता है किसी के घर में, सोग होना चाहिए था पाकिस्तान। आप मनाते 14 अगस्त, इवन के ज़्यादा से ज़्यादा केक काट लेते, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेलिब्रेट कर लेते, केक काट लेते, आपस में मिल लेते, उसकी खुशी मनाते, नमाज अदा करते, नमाज नफिल शुक्राने के 2 अदा करते, उसके बाद फिर नमाज़ें पढ़ते और शुक्राने के 2 नफिल अदा करके दुआएँ करते कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और हमारे मुल्क को जो है तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए जल्द से जल्द, आमीन, मेरी यही दुआ है। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब तो डेली व्लॉग डालूंगा बिकॉज अब तो गेम स्टार्ट हो गया है, जो समझने वाला होगा वो समझ गया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो इंशाल्लाह डेली डालूंगा। बस आप रेड से जो लिखा हुआ ना सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद एक घंटी आएगी, घंटी को टैप कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियो द्वारा आप तक पहुँच जाएगी और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शो करवाऊंगा। माय व्लॉग्स इज़ रेडी फॉर यू एंड आई एम जस्ट मेकिंग व्लॉग फॉर यू माय ऑडियंस। जस्ट तू क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, मेरे बातें सुन रहा है मेरी, चुप चुप गया क्या, सिंधी बोलता है, सिंधी उर्दू सिंधी बोले चे छा नालो आए तुम जो क्या निम्बो नालो आया तुम जो किड़ों से आया तू, कहाँ से आया है, गाँव गया अस्पताल से आया, तो तवा के अकेलो हाँ कोई तुम्हारा जो माँ बाप माँ बाप भी यहाँ बाप माई हाँ हाँ बाप माई ना बाप मरी भाई माँ हाँ माँ ही बैठो आ सिंधी, मुझे तो समझ नहीं आती भाई, आप लोगों को समझ आ रही है तो आप इस बच्चे की बात समझ रहे हो और ये जो है बेचारा गरीब बच्चा है तो इसके ये मेरी चुप चुप के बैठा बैठा बातें सुन रहा था, मैं ब्लॉग बना रहा था
तो अब सीन कुछ ऐसा है कि ये बैठा हुआ है, क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, मेरी बातें सुन रहा है, सुन ली बातें, अब जाओ।